विलियम वॉलेस को मिलने के लिए हम यहाँ पे आए हैं. नेशनल हीरो हैं, फ्रीडम फाइटर थे स्कॉटलैंड के लिए, मगर पता चला कि बहुत थोड़ा ऊंचा रहते हैं. सो हम वॉक करेंगे अभी थोड़ी सी और देखते हैं कि वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं. तो चलते चलते बर्फीली पहाड़ियाँ आ गई हैं, मगर वॉलेस साहब से मिलना नहायत मुश्किल हो रहा है. मगर क्या सीनरी है, इट्स ब्यूटीफुल, रियली इज. दरख्त, बर्फ, जबरदस्त व्यू. ये इस तरफ दिखाया है, उधर से आप अरब दिखा पानी. ओह जान, अरब पहुंच चलाएंगे. हाँ जी, तो वॉलेस साहब बहुत तड़पा रहे हैं अभी भी, खासा ऊपर जाना है, मगर ये नज़ारा एक देखें आप. सुपर्ब, जबरदस्त. चल आगे. सब वॉलेस मॉन्यूमेंट पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और बहुत लंबी चढ़ाई थी, मगर क्या नज़ारा है. स्नो स्नो क्लैड माउंटेंस हैं, सख्त बर्फीली ठंड है, मतलब है होंठ सुन हो गए हैं, नाक बड़ा सा हो गया है, लाल भी नज़र आ रहा होगा. सो वॉलेस साहब जो है ना, असल में स्कॉटलैंड के वॉलेस साहब हैं, कोई चीज़ इनके बगैर हिलती नहीं. वॉलेस स्कूल है, वॉलेस हाउस है, वॉलेस मिठाई है, वॉलेस कॉर्नर शॉप है, और एक बहुत बड़े ये फ्रीडम फाइटर थे. और ब्रेव हार्ट एक फिल्म थी 1995 में बनी थी, मेल गिब्सन थे उसमें, और वो इन्हीं के ऊपर थी. और थोड़ी सी हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन थी, मगर इतना कोई ख़ास दंगा फसाद नहीं हुआ जितना कि पद्मावती में हुआ, उसमें भी थोड़ी सी हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन है कहते हैं. बट एनीवेज, ज़बरदस्त यहाँ पे सिचुएशन ये बन रही है कि अब शायद हम कोशिश करें कि ऊपर चढ़ सकें. 262 स्टेप्स हैं. मुझे नहीं लगता कि मेरे में दम खम है, मगर कोशिश जारी रहेगी. और वॉलेस मॉन्यूमेंट पहुँच गया. थैंक यू. तो शुरू हो गया वॉलेस साहब को देखने का मिशन. सीढ़ियाँ चढ़नी हम शुरू करती हैं. पहले पड़ाव पर रुकते हैं, दूसरे पे, तीसरे पे. 262 सीढ़ियाँ बर्फ में चढ़ के ऊपर. 60 सीढ़ियों के बाद दूसरी 70 सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं. और ये छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है जो कि लड़ी गई वॉर्स और किस तरह से स्कॉटलैंड जो है वो एक फ्रीडम स्ट्रगल रही थ्रू आउट. एक शॉर्ट सी हिस्ट्री है. आप विकिपीडिया पे जाएं या इसको गूगल करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एक फ्रीडम फाइटर ने एक पूरी कॉम को जगा दिया और फिर रूस ने आके फाइनली जो है वो इन्वेशन जो थी उसको न्यूट्रलाइज किया गोरों की और एडवर्ड द सेकंड को बीट किया 1314. ये बहुत ही एक हॉरिफिक सीन प्रेजेंट किया गया है. वॉलेस 1305 में जब उनका कैप्चर हुआ, किस तरह से उनको घोड़ों के पीछे बांध के घसीटा गया शहर में, और फिर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर्ड यानी कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए. इस तरह से अनबिलीवेबल. कहते हैं कि अगर औरतें जो थी वो स्टेट के अगेंस्ट रिटेलिएट और रिवोल्ट करती थी तो उनको उनके क्वार्टर नहीं किया जाता था, उनको स्टेक पे यानी कि आग पे चढ़ा के उनको आग लगा दी जाती. बाकी भी बहुत सारे हीरोज की यहाँ पे तस्वीरें हैं. विलियम मर्डॉक इंजीनियर थे, द इन्वेंटर ऑफ लाइटिंग बाय गैस 1792 से 1832. सर वॉल्टर स्कॉट 1771 से 1832. जेम्स वॉट, जॉन नॉक्स, ये सब हिस्टोरिकल. यहाँ पे बस लगी हुई है इम्पोर्टेंट लोगों की, लिविंगस्टन, ब्लैकस्टन, एडम स्मिथ, थॉमस चार्मर्स. चले आपसे पूछते हैं ये कौन है. इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, सब ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिन्होंने इकोनॉमिक्स अपना सब्जेक्ट लिया था इनका नाम ज़रूर सुना होगा, किताबें लिखी हैं इन्होंने, और इनका नाम है एडम स्मिथ. मॉन्यूमेंट के बारे में 1869 में इसकी इब्तदा हुई थी और किस तरह से रखा गया. अगर आपको फील हो रहा है मुझे सांस चढ़ रहा है तो आपकी सही फीलिंग है, क्योंकि मैं 250 स्टेयर्स चढ़ चुका हूँ और बेहोश होने वाला. ना ऊपर चढ़ते सिर्फ लास्ट 30 रह गए. तो ऊपर पहुंच गए हम. यहाँ पे सख्त ठंड है, मगर जैसे मैंने अभी बताया था ना, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि फाइनली वी मेड इट. कहने के
वाली स्कॉटलैंड है जो जगह है। मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि बार बार आ सकें और ठंड में ना आए, सख्त सख्त ठंड है, कहना ही पड़ेगा। बाय।